बाड़मेर शहर से निकलने वाले हाईवे के हालात अब धीरे धीरे नासाज होते जा रहे हैं। सिंदरी सर्किल से बीएनसी चौराहे तक बनी सर्विस रोड पर सड़क कम और गड्ढे ज्यादा नजर आते हैं। सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे होने के साथ रही सही कसर लीकेज जलदाय विभाग के लाइन और ओवरफ्लो सीवरेज और नालों ने पूरा कर दी। पेश है एक रिपोर्ट, सड़कों में गड्ढे या गड्ढों में सड़कें। बाड़मेर शहर के अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग और जोधपुर हाईवे पर बनी सर्विस रोड की हालत इन दिनों खस्ता है। इस रोड पर कई जगह सड़क के टूट जाने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि जिस उद्देश्य से इस सर्विस रोड का निर्माण करवाया गया था उस पर ये कभी खरा नहीं उतरी है। सिंदरी सर्किल से लगातार बीएनसी चौराहे तक बनी सर्विस रोड पर कई जगह पर पिछले 2 माह से बड़े बड़े गड्ढों सटी पड़ी है, जिससे लोगों को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि समस्या के संबंध में कई बार नगर परिषद से शिकायत की जा चुकी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है, जिससे लोगों में नगर परिषद के प्रति भारी रोष व्याप्त है। जल्द समस्या का समाधान नहीं होने पर लोगों ने नगर परिषद के खिलाफ मोर्चा खोलने की चेतावनी दी है। लोगों का कहना है कि इस सड़क पर गड्ढों के साथ सीवरेज और जलदाय विभाग के लीकेज की वजह से कई जगह गंदे पानी के तालाब बने हुए हैं। ये तालाब लोगों का जीना दुश्वार कर रहे हैं। लोगों को आवागमन में भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन 2 पहिए वाहन इन तालाबों के कारण फिसल जाते हैं। सबसे ज्यादा परेशानी बुजुर्ग और छोटे बच्चों को होती है, जिसकी शिकायत कई बार नगर परिषद और राजमार्ग प्राधिकरण से कर चुके हैं, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जल्द ही समस्या का निस्तारण नहीं हुआ तो मजबूरन लोग सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी विभाग की खुद की हो। बहुत सारी समस्या है सर, गंदगी के ढेर पड़े हैं। देखो आप उधर नगर पालिका वाले बराबर टाइम पे आते नहीं है, सफाई करते नहीं है, फॉर्मेलिटी करके चले जाते हैं। ये कचरा ढेर, ये पानी का जो है ना, ये तालाब भर रखा है, मच्छर कीड़े मकोड़े निकासी नहीं है, ग्राहक भी इधर दुकान पे नहीं आता। क्या समस्या होती है आपको? समस्या खूब होती है, पूरा पैदल चल नहीं पता है, ये पानी भरा हुआ पड़ा है, कचरे ढेर पड़े हैं, कीड़े मकोड़े, ये जगह जगह रोड़े भी टूटी हुई है, पानी चारों तरफ गिरा है। आप देखो उसका वीडियो बना के, नेशनल हाईवे है और सड़कों की क्या हालत है? हालत बहुत खराब है सर। सेंट्री चौराहे से बीएनसी चौराहे तक रोड के दोनों तरफ जो ये सर्विसिंग बोलते हैं इसको, ये करीब करीब 20 जगह से टूटी हुई पड़ी, 20 जगह रात दिन पानी गिर रहा है और ये रोड लबालब भरी हुई पड़ी है। कई बार एक्सीडेंट हुए हैं, कई बार गाड़ियां गिरी है, उल्टी हुई है। क्या है यहाँ पर, क्या हालात क्या रहते हैं? अगर पानी गिरता रहता है पूरे दिन, नाला ओवर फ्लो रहता है तो नाला क्या साफ करने नहीं आते? आते हैं लेकिन वापस ओवर फ्लो हो जाता है। कारण क्या रहता है? कारण कचरा बहुत ज्यादा है। तो इससे आपको क्या समस्या आती है? आपकी समस्या तो गंदगी पूरे दिन रहती है, मच्छर रहते हैं। जब से दुकान लग गई है तब से समस्या ये है, नाले ओवरफ्लो हो जाते हैं, बरसात में पानी 2-2 फुट पानी यहाँ पे आ जाता है, और वैसे भी गंदगी देख लो आप, ये सफाई करके यही कचरा का ढेर लगा के लेके रख के जाते हैं, कोई यहाँ ट्रैक्टर भर के वापस लेके नहीं जाते। और भी तो अच्छा है सर, नीचे से आप रोड पर जाइए चौराहे से लेकर बीएनसी तक कितने खड्डे आपको मालूम पड़ जाएगा सर, गाड़ी हिलती 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 पहुँचेगी, कितने एक्सीडेंट होते हैं, बड़े बड़े खड्डे, पानी बहता रहता है। ये गड्ढों की समस्या कितने हमेशा रहती है, रोड बनाते हैं पतली सी चादर बिछा देते हैं, 2-3 महीने रोड भी टूट जाती है, समस्या 17 साल से समस्या। दुकानदारों को वाहन चालकों को क्या परेशानी? परेशानी तो होती रहती है सर, एक्सीडेंट हो जाते हैं, कई बार गाड़ियों की पलटी, एक बार चारे की गाड़ी गलती की दुकान के सामने पलटी होगी पूरी, एक बार टैक्सी पलटी हुई। एक तरफ जहां शहर के बीचों बीच निकले राष्ट्रीय राजमार्ग की वजह से किसी को परेशानी ना हो इसलिए सर्विस सड़कों का निर्माण करवाया गया था, लेकिन ये सर्विस सड़कें खुद लोगों के लिए समस्या बन गई हैं। ऐसे में लोगों की परेशानियां और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। लोगों का कहना है कि गंदगी और दुर्घटनाओं से उन्हें जल्द ही निजात नहीं मिली तो वो सड़कों पर उतरने में देर नहीं लगाएंगे।